नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। कई बार बड़े बुजुर्गों की सलाह इतना असर दिखाती है कि लोगों की किस्मत खुल जाती है। ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहने वाली एक महिला के साथ हुआ। दरअसल उसने अपने ससुर के कहने पर 500 रुपए का लॉटरी टिकट खरीद लिया। अब उस महिला के हाथ 2.5 करोड़ रुपए का पहला इनाम लग गया। इनाम लगने के बाद महिला ने सिर्फ एक ही बात कही। महिला ने कहा कि इतने जीरो तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। पश्चिम बंगाल की रहने वाली संगीता दुबे की पंजाब में लॉटरी लगी। संगीता दुबे ने पहली बार अपने ससुर के कहने पर लॉटरी की टिकट खरीदी। ससुर का कहना मानना संगीता के लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं हुआ। पंजाब स्टेट लॉटरी की तरफ से न्यू ईयर लोहड़ी बम्पर 2021 में संगीता को 2.5 करोड़ की लॉटरी निकल आई। हालांकि संगीता की लॉटरी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, फिर भी ससुर के कहने पर उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। संगीता के ससुर अक्सर लॉटरी खरीदते थे लेकिन कभी उनकी लॉटरी नहीं लगी, लेकिन बहू की लॉटरी पहली बार में ही लग गई। बता दें कि संगीता दुबे एक आम गृहिणी हैं और बच्चों को ड्राइंग सिखाती हैं। उन्होंने कहा 2.5 करोड़ रुपए उनके लिए बहुत मायने रखते हैं और लॉटरी निकलने पर सबसे ज़्यादा खुश उनके ससुर और देवर हुए। बता दें पंजाब में हर साल जनवरी में मकर संक्रांति के पर्व पर न्यू ईयर लोहड़ी बम्पर लॉटरी निकाली जाती है। इस बार लॉटरी के टिकट की कीमत 500 रुपये रखी गई थी, जिसकी बिक्री नवंबर और दिसंबर 2020 के दौरान हुई थी। इस लॉटरी के टिकट पंजाब के हर ज़िले में बेचे जाते हैं। हालांकि इस लॉटरी को ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। अब होली और बैसाखी पर बम्पर लॉटरी निकाली जाएगी। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।